और गोड्स के लिए हमसे कहेंगे कि आप हमसे लें इन तमाम वेंडर्स को हमने अगर इंडिविजुअली ऐड करना है और हमारा नया बिजनेस शुरू हुआ है तो फिर तो हम इनको वन बाय वन जैसे जैसे वो हमारे पास रजिस्टर होते जाएंगे और हमारे साथ काम शुरू करेंगे हम उनको रजिस्टर करते चले जाएंगे लेकिन अगर आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है और आपके पास सारा डेटा पहले से ही मौजूद है भले वो रिटर्न फॉर्म में हो या किसी और सिस्टम पे और नाउ यू आर गोइंग टू यूज क्विक बुक्स सो यू हैव टू बेसिकली टेक ऑल दैट डेटा फ्रॉम वट एवर सोर्स इट इज़ अवेलेबल इन एंड रजिस्टर इट अगेन इन टू क्विक बुक्स मतलब ये है कि हमारे पास रिटर्न भी है रिकॉर्ड सारा का सारा या हमारा कोई और सिस्टम या एक्सेल में हमने पहले से सारी रिकॉर्डिंग की हुई है इस तमाम डेटा को हमें उठा के क्विक बुक्स में दोबारा से री एंटर करना पड़ेगा और जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा देखा कि हम किस तरह से अपने कस्टमर को रजिस्टर करते हैं अगर हम वही तरीका अपनाए रहें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा वॉट वी नीड टू डू इज टू फाइंड अ क्विक वे टू रजिस्टर आर यूजर्स इन क्विक बुक्स दिस इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द केस दैट यू ऑलरेडी हैव अ लार्ज डेटा बेस ऑफ वेंडर्स अवेलेबल आपके पास पहले से एक बड़ा डेटा बेस है भले वो आपके कंप्यूटर पे है या आपके खातों में है जो कि आप उठा के अपने क्विक बुक्स के डेटा बेस में रजिस्टर करना चाहते हैं आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्विक बुक्स में ये काम कैसे होगा जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम क्विक बुक्स में आते हैं हमारे पास हमारा होम पेज खुला होता है और होम पेज कैसे खुलेगा याद रहे कि हमने ओपन की है अपनी कंपनी जैसे हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे हमारे पास हमारा होम पेज आ जाएगा उसी होम पेज को हम देखते हुए तमाम अपने ट्रांजैक्शन और तमाम एक्शन करेंगे इन दिस केस वी आर डीलिंग विद वेंडर्स सो वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू यू कैन गो टू वेंडर्स आई थ्रू योर होम पेज और द वेंडर मेन्यू और द मेन मेन्यू बटन दैट यू हैव सेलेक्टेड ऑन योर बार आइए वी ओनली हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड वी विल सी दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल टू अस सिंस वी आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टू आर डेटा बेस वी शुड बी कंप्लीटली फेमिलियर विद हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, आइदर दैट इंफॉर्मेशन इज ऑन आर हार्ड कॉपीज हमारे पास कहीं लिखी हुई इंफॉर्मेशन है या वो हमारे पास पहले से कंप्यूटर पे मौजूद है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्विक बुक्स बिल्कुल विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट के किसी प्रोग्राम की तरह चलता है इसीलिए ये हमें फैसिलिटेट करता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो बासानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नाउ बिफोर वी कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद आर मल्टीपल वेंडर्स वेंडर के ऊपर आप क्लिक करें न्यू वेंडर के ऊपर इट विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ एडिंग मल्टीपल वेंडर्स एटवान्स क्लिक करें हमारे पास तमाम वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन एक्सेल के स्टाइल में स्क्रीन पे मौजूद हो गई अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त तमाम डेटा में जितने भी हमारे वेंडर्स पहले से रजिस्टर्ड हैं वो नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारे पास मज़ीद वेंडर्स ऐड होने हैं। अगर हम उस पुराने तरीके से इनको ऐड करते रहते तो अगर आपको याद है कि हम एक सिंगल वेंडर को ऐड करने के लिए जब जाते थे तो हमें ये पांच टैब नेविगेट करना पड़ते थे और उनमें थोड़ी 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 इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती थी लेकिन ये पॉसिबल है जब हम सिंगल यूज़र के साथ या सिंगल वेंडर के साथ काम कर रहे हैं और एज इन वन रिक्वायर्ड एक नया वेंडर ऐड कर रहे हैं बट वेन यू आर एडिंग और रजिस्टरिंग सेवरल एट वंस वॉट यू नीड इज टू गो टू दिस स्क्रीन ये स्क्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज वेरी मच लाइक एन एक्सेल स्क्रीन जहां आप तमाम इंफॉर्मेशन एक रो में लिख सकते हैं जस्ट कम टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड स्टार्ट एडिंग वेंडर्स when you are done with it you can simply save changes in this case we want to add a number of other vendors as well who are listed in an excel sheet but before we do that let us check out how to customize columns as well amarappa's information is excel sheet numa स्क्रीन में मौजूद है लेकिन बाज़ चीज़ें हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं मिसाल के तौर पे हम मिस्टर एंड मिसेस वाला जो कॉलम है वो हम रिमूव करना चाहते हैं वी कैन सिंपली से रिमूव और वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी इसके साथ ही हम वेंडर टाइप ऐड करना चाहते हैं सेलेक्ट वेंडर टाइप इन द अवेलेबल कॉलम लिस्ट एंड ऑल यू हैव टू डू इज ऐड द मोमेंट यू डू दैट दैट विल स्टार्ट अपरिंग ऑन योर स्क्रीन अब हमारे पास वेंडर टाइप नज़र आने लगी है आइए अब हम देखते हैं कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन हाथ से टाइप करने के बजाय कॉपी पेस्ट कैसे करें हमने सारी अपनी डेटा अपनी इन्फॉर्मेशन वेंडर्स की अगर एक्सेल में कंपाइल कर ली है या पुराने सिस्टम से हमने डाउनलोड कर ली है एक्सेल तो में तो सो वी कैन सिंपली कापी एंड पेज दैट इन्फॉर्मेशन इन टू आर क्विक बुक्स स्क्रीन आइए देखते हैं कि हमारे पास एक्सेल में ये चीज़ मौजूद है कि नहीं ऑल इन्फॉर्मेसन रिगार्डिंग आर न्यू वेंडर्स इज अवेलेबल इन एक्सेल अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग है कंपनी नेम ओनर एड्रेस एड्रेस टू फोन नंबर और कंपनी टाइप ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से उठा के सिम्पली कॉपी और पेस्ट कर देंगे अपने क्विक बुक्स में लेट्स सी हाउ दिस कैन बी डन सिंपली कॉपी दिस इंफॉर्मेशन गो ओवर टू क्विक बुक्स हमने पेस्ट किया और सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हमारी सीधी तरह से क्विक बुक्स में आ गई हमारे पास इस वक्त वेंडर नेम कॉपी पेस्ट हो गया है फ्रॉम एक्सेल टू योर क्विक बुक्स नाउ गोइंग ओवर टू एक्सेल अगेन वी विल कॉपी द नेम ऑफ आर द कंपनी ओनर कम ओवर एंड सिम्पली क्लिक इन द फर्स्ट अवेलेबल प्लेस पेस्ट हमारे पास ओनर की तमाम नाम मौजूद हैं द नेक्स्ट सेट इज रिगार्डिंग द एड्रेस सिंपली कॉपी एंड इन द एड्रेस फील्ड जस्ट पेस्ट इट अब ये तमाम एड्रेसेस लाहौर के हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हमने यही काम कस्टमर सेंटर में जा के किया था कि जब आपने एक ही चीज़ बार बार नीचे रिपीट करानी है वॉट यू कैन डू इसलेक्ट द फील्ड विच नीड्स टू बी कॉप डाउन और यहाँ आप देखते हैं कॉपी डाउन का फीचर मौजूद है ऑल यू हैव टू डू इस सिंपली क्लिक ऑन कॉपी डाउन और तमाम में जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी डाउन करवानी थी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है यू डू नॉट नीड टू डू एनी थिंग एल्स आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना एक ही इन्फॉर्मेशन आपने रखनी है आपने सिर्फ राइट right क्लिक करना है वंस अगेन और कॉपी डाउन का बटन दबाना है और नीचे वही इन्फॉर्मेशन तमाम रोज में खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी दिस इज द ईजीएसट मेथड ऑफ ब्रिंगिंग इन data or information from another source to quickbooks and registering it in quickbooks finally hamarepas vendor type information we can select them as material supplier and once again if we need to we can simply say that these are all material suppliers and what we wish to do is copy down right click copy down and your vendor type is

हम अपना पुराना डेटा बार बार आहिस्ता आहिस्ता एंटर करने से बहुत बेहतर है कि उसको हम डंप करवाएं एक्सेल में और सिंपली वहां से कॉपी पेस्ट करवा दें अपने क्विक बुक्स में दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज विच कैन बी यूज टू कॉपी एंड ब्रिंग इन ऑल द डेटा विच वाज प्रीवियसली ऑन एनी अदर सिस्टम इन कंक्लूजन नाउ वी नो हाउ टू अप आर वेंडर एंड इफ़ वी आर माइग्रेटिंग फ्राम वन सिस्टम टू अनदर हम किसी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं क्विक बुक्स के और हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है तो हमें पता चल गया है कि हम कैसे उसकी सारी बेसिक रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन और डेटा वहाँ से उठा के कॉपी कर दें क्विक बुक्स के अंदर इन ईजी एंड सिंपल वे थैंक यू